हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे मुंबई और पुणे के बीच चलाया गया, जिससे इन दो शहरों के बीच की यात्रा 5 से 6 घंटे से कम होकर 2.5 घंटे पर आ चुकी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी पुणे और नासिक शहर को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाने की मांग उठकर सामने आ रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इन दो शहरों के बीच एक इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे शुरू करने जा रही है, जो पुणे, अहमदनगर और नासिक इन तीनों जिलों से होकर जाने वाला है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 180 किलोमीटर की होगी। इन दोनों शहरों के बीच अगर आपको यात्रा करनी हो तो आपको लगभग 4 से 5 घंटों का समय लग जाता है, पर यही यात्रा आप इस एक्सप्रेसवे के साथ सिर्फ 2 घंटे में पूरी कर पाओगे। अगर हम इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात करें तो अभी MSRDC ने इस प्रोजेक्ट के कंसल्टेशन के लिए टेंडर्स जारी किए हैं और ऐसा माना जाता है कि इसका डिटेल रिपोर्ट 1 साल के अंदर कम्प्लीट कर लिया जाएगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बजट की बात करें तो इसे बनाने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। आप सभी को तो पता ही होगा कि इन दो शहरों को जोड़ने के लिए पहले ही एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है और अभी इस एक्सप्रेसवे को इस रेलवे लाइन के समानांतर ही बनाया जाने वाला है, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड एक्विजिशन में भारी कमी लाई जा सकेगी। यह एक्सप्रेसवे एक 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा, जो पुणे के रिंग रोड से शुरू होकर नासिक में सूरत चेन्नई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट को एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के तहत बनाया जाने वाला है और इस प्रोजेक्ट के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि पुणे, नासिक और अहमदनगर में स्थित ऑटोमोबाइल, IT और कृषि इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, आप इस पुणे नासिक एक्सप्रेसवे के बारे में क्या सोचते हो, यह हमें जरूर बताएं।